हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एबिलिटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये न्यू वैकेंसी निकली है, कहाँ से निकली है आपकी? ICMR निन की तरफ से। आप ये न्यू नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, 2 फरवरी को हमारा ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था। तो वॉकिन इंटरव्यू के तहत ये वैकेंसी है। आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो आप देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारा 301 प्रोजेक्ट जनवरी 2024 है। ठीक है, तो इस नाम से ही आपको मिलेगा। और वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे तो हम बात करेंगे इसमें क्या प्रोजेक्ट का नाम है, कैसा क्या है। तो इसमें प्रोजेक्ट का नाम पहले तो यहाँ लिखा है इन्वाइटेड एंड एलिजिबल। जो भी एलिजिबल होंगे नीचे क्वालिफिकेशन दी होगी, सिर्फ वही फिल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंटायर डाई ह्यूमन मिल्क माइक्रोबायम इन शेपिंग फर्स्ट कॉलोनाइजर्स ऑफ द इन्फेंट गट एंड इम्पैक्ट ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट अ प्रोस्पेक्टिव चारकोट स्टडी फंडेड बाई DHR। ठीक है, इसका जो फंड दिया है DHR ने दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपका इसमें वॉक इन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका होगा 9:30 बजे से मॉर्निंग में, 10:30 के बीच में आप जा सकते हैं ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद तेलंगाना में। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कैसा क्या है? तो आपके लिए उन्होंने पहले बता दिया है कि आफ्टर वेरीफिकेशन द एप्लीकेशन नेम ऑफ एलिजिबल इन्फॉर्म द सेम डे आपको कर दिया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, आप वेबसाइट पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बताया उन्होंने कि नेम ऑफ द पोजीशन हमारी जो रहेगी इसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट सीनियर रिसर्च फॉलो की रहेगी। एक वैकेंसी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc लाइफ साइंस, MA इन सोशल वर्क है आप, सोशल साइंस सॉरी, और डिग्री होल्डर्स हैं आप, 2 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस है आपके पास डिग्री के साथ में, MBBS MBSC MPharm MTech डिग्री होल्डर्स हैं तो आप भर सकते हैं। डिजेबल में PhD इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फील्ड वर्क का वर्क रहेगा, ब्लड प्रोसेसिंग एंड माइक्रोवेल कल्चरिंग का आपका वर्क रहेगा। एज की बात करता हूँ, ठीक है, 35 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो आपको इसमें सैलरी मिलेगी इसमें 35,000 समथिंग मिलेगी और 27% उसमें अभी आपका HRA मिलेगा। ठीक है, तो 35,000 प्लस मिलेगी। टेंडर आपका 1 ईयर का रहेगा और बढ़ भी जाएगा। प्लेस ऑफ वर्क आपका लोकल एरियाज में रहेगा, हैदराबाद में ही ICMR NEN के तहत। और डेट 13 फरवरी इसमें बता रखा है, 13 फरवरी 2024। वेन्यू कॉन्फ्रेंस हॉल ICMR NEN हैदराबाद में जाएंगे आप। ठीक है, इंटरव्यू डेट आपके लिए बता रखी है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, ओनली 1 है अनजब की। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है ग्रेजुएट इन एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम इन 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस है फील्ड और कम्युनिटी स्टडीज़ का, या मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें रिसर्च एक्सपीरियंस इन SPLC एंड अदर बायोकेमिकल मेथड्स माइक्रोबायोलॉजी। नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मस्ट होती है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में लेबोरेटरी वर्क का आपका रहेगा। ठीक है, और एज 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी। आपको इसमें सैलरी मिलेगी 31,000 रुपये के करीब और 27% HRA इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, टेंडर 1 ईयर का रहेगा और लोकल एरियाज में ही वर्क रहेगा। 13 फरवरी को इंटरव्यू होगा और कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने बता रखी है कि टेम्परेरी बेसिस है आपके। ठीक है, और इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि हमें रेगुलर करो परमानेंट करो। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट एटलीस्ट पीरियड ऑफ 6 मंथ फेलिंग इन विच द सैलरी ड्रॉन बाई हिम हर सेल्फ बिल हैज टू बी रिफंडेड होगी आपकी। ठीक है, अदर अलाउंस उन्होंने बता रखा है कि CCAT LTC मेडिकल क्लेम एंड PF आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे लिए। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा आराम से, आपको PDF तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है बता देता हूँ। तो द कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम दी, ठीक है, आपको वेबसाइट प्रोवाइड करवा रखिए www.nin, ठीक है, registration.in होगा ये पर। ठीक है, एंड सबमिट द सेम ड्यूली फील्ड इन अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ फोटो कापीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड 1 मोर लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर वेरीफिकेशन फेलिंग विच देयर कैंडिडेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आप मतलब वेरीफिकेशन में फेल हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ऐसी ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।